नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पुंडी टेक में। दोस्तों, आपके लिए एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप कोई भी किसी भी कंपनी का इन्वर्टर यूज कर रहे हैं और दोस्तों उस इन्वर्टर का फ्यूज बार बार ख़राब हो रहा है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसका क्या समाधान है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों साथ में जो घंटी है उसे भी दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। चलिए दोस्तों, अब आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी भी कंपनी का कोई भी इन्वर्टर यूज कर रहे हैं और उस इन्वर्टर का फ्यूज बार बार से ख़राब हो रहा है, तो आपको क्या करना है, ऐसा क्यों हो रहा है और इसका क्या समाधान है। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे पास एक ल्यूमिनस का इन्वर्टर है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मेरे पास ल्यूमिनस का इन्वर्टर है, और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें एक फ्यूज लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों, क्या हुआ इसमें कि एक प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से दोस्तों इस इन्वर्टर के बार बार फ्यूज ख़राब हो रहे थे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि वो प्रॉब्लम क्या थी और आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, कुछ इन्वर्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें यहाँ पर फ्यूज की बजाय एक MCB लगी हुई होती है, और दोस्तों कुछ इन्वर्टर्स अब ऐसे आ रहे हैं जिनमें ना तो फ्यूज दिया हुआ है और ना ही यहाँ पर MCB, उनमें एक रीसेट करने के लिए बटन दिया हुआ है। जैसे ही दोस्तों कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो वो बटन अपने आप ऊपर हो जाता है और उससे जो हमारा इन्वर्टर है वो ख़राब होने से बच जाता है। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये फ्यूज इन्वर्टर में क्यों दिया जाता है। दोस्तों, इस फ्यूज का काम होता है हमारे इन्वर्टर को ख़राब होने से बचाना, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो भी आउटपुट निकलती है उस आउटपुट में अगर कोई भी फॉल्ट हो जाता है, जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्यूज है, इसके ऊपर सबसे पहले प्रभाव पड़ता है और ये फ्यूज ख़राब हो जाता है, जिससे कि दोस्तों जो हमारा इन्वर्टर है वो बच जाता है। अगर दोस्तों यहाँ पर हमारे इन्वर्टर में ये फ्यूज नहीं होगा तो हमारा जो इन्वर्टर है दोस्तों वो ख़राब हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों, जो दूसरे इन्वर्टर्स हैं उनमें किसी में यहाँ पर MCB दी हुई होती है, किसी में बटन दिया होता है। उनका काम सिर्फ दोस्तों यही होता है कि जो हमारा इन्वर्टर है अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो उससे हमारे इन्वर्टर को बचाना होता है। अब दोस्तों, मेरे इस इन्वर्टर के साथ जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी कि दोस्तों यहाँ से आउटपुट निकलती है उसमें हम दोस्तों बहुत सारे लोग यूज करते हैं 2 पिन और 3 पिन टॉप, वो इस प्रकार से होते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आप भी यूज करते होंगे 3 पिन टॉप और 2 पिन टॉप। अब दोस्तों क्या होता है, जब हम इन्हें यूज करते हैं तो इनके अंदर दोस्तों दो लैग होती है, और दोस्तों जो इसके ये लैग होती है ये हिलती रहती है, इसकी वजह से दोस्तों जो इसके अंदर पेंच होते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। वो किस प्रकार से शॉर्ट हो जाते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जल चुका है 2 पिन सॉकेट। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो दोनों लैग है ये आपस में शॉर्ट होने के बाद जल चुकी है और आपस में चिपक चुकी है। दोस्तों, इसी की वजह से हमारा जो इन्वर्टर है उसके जो बार बार फ्यूज ख़राब हो रहे थे। दोस्तों क्या था कि ये दो लैग आप देख सकते हैं अंदर की तरफ दो पेच है इसमें, ये जैसे ही दोनों आपस में टच होते थे तो दोस्तों ये हमारा इन्वर्टर का जो फ्यूज है उसे उड़ा देते थे। दोस्तों जैसे ही ये दोनों अंदर के पेच टच होते हैं उससे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, जो हमारा इन्वर्टर है उसका जो फ्यूज है वो उड़ जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि ये आपस में बिल्कुल मिल ही गए, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर जो इसकी दोनों लैग है वो जल चुकी है। इसी प्रकार दोस्तों, अगर आपके इन्वर्टर में भी बार बार फ्यूज ख़राब हो रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दोस्तों आपने जो भी उस पर लोड डाला हुआ है उसमें जो भी आपने 2 पिन या 3 पिन लगाए हुए हैं उन्हें सबको खोल करके आपको चेक करना है कि वो कहीं आपस में शॉर्ट तो नहीं हो रहे हैं। अगर दोस्तों वो आपस में शॉर्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब आपका जो इन्वर्टर है उसका बार बार इसी प्रकार से फ्यूज़ ख़राब होता रहेगा।
और दोस्तों अगर आप इन्वर्टर के आउटपुट को किसी बोर्ड में दिया हुआ है तो आपको उस बोर्ड को भी खोल करके चेक करना होगा, उसमें कहीं आपस में कोई तार शॉर्ट नहीं हो रहा हो। जहां पर भी आपने आउटपुट दी हुई है उन्हें सबको चेक करना होगा। जैसे ही आप चेक कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। दोस्तों अगर आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में दोस्तों जो घंटी है उसे भी दबाना ना भूले ताकि अगली वीडियो का